बिहार में लगातार लोग कोरोना से परेशान हैं। संक्रमित मरीजों को ना अस्पताल मिल रहा है ना बेड। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने जा रही हैं। ऐसे में राजद नेता नवीन कुमार निषाद ने लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने DAB स्कूल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। आलमनगर स्थित उनके DAV स्कूल में 150 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने एक पत्र जारी कर DM से इस स्कूल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की बात कही है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उनके इस स्कूल में 150 बेड की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में 40 शौचालय हैं और वह काफ़ी बड़ा है। अगर सरकार चाहे तो उसमें 500 बेड की व्यवस्था की जा सकती है। उनकी विद्यालय को कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने के बाद लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मूल उद्देश्य है कि आलमनगर विधानसभा अंतर्गत DAV स्कूल को आलमनगर विधानसभा राजद कोविड केयर सेंटर के रूप में हम आप देख सकते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय के नाम से रिक्वेस्टिंग लेटर है, जिसमें कि दिनांक 9 तारीख को ही SDO साहब से बात हुई है और SDO साहब के दिशा निर्देशन बोले कि आप लेटर लिख के दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देते हैं। तो आलमनगर विधानसभा के कोविड पेशेंट के लिए जो ये महामारी है, इसमें हम सबों को इसमें अभी टीका टिप्पणी और खिलाफ का समय नहीं है। इसमें समस्त बिहारवासी, समस्त देशवासियों को सरकार को सहयोग करने की बात है। इसी कड़ी में हम लालू जी के भी दिशा निर्देश मीटिंग हुआ और साथ ही साथ इसके पहले भी हम SDO साहब से बात हुई। तो इस कड़ी में हम अपना DAV स्कूल जो है, इसको हम आलमनगर विधानसभा राजद कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और प्रशासन के हैंडओवर करना चाहते हैं, जिससे कि हम लिखित रूप में उनको आवेदन दे रहे हैं। साथ ही साथ इस विद्यालय में अभी वर्तमान में 150 बेड अवेलेबल है, 40 तो शौचालय है। इस तरह से सभी रूम में पंखा, बिजली सभी से सुसज्जित है, CCTV कैमरा है, बाउंड्री वॉल से घेरा हुआ है। इसलिए और हमारे इलाके का जो ग्रामीण इलाका का जो पेशेंट है, इसमें एक फियर, एक भय सा घुस गया, कोरोना नाम से ही भय घुसा हुआ। इसलिए अगर यहाँ पर हो जाता है, दूर रहने की विधि व्यवस्था में भी कमी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आप इसको आलमनगर विधानसभा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए इसको आप कोविड सेंटर के रूप में स्वीकृति देकर विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें और हम आपके सहयोग में हमेशा रहेंगे। और साथ ही साथ इस विद्यालय परिसर में, इस राजद कोविड केयर सेंटर में जितने भी कोविड पेशेंट आएंगे, सभी को यहाँ के किचन के माध्यम से, जो कि किचन का नाम होगा लालू रसोई घर, जिनमें सभी पीड़ित को खाना निःशुल्क खिलाया जाएगा, जिसमें कि प्रशासन का सहयोग रहेगा, अन्य साथी का सहयोग रहेगा। इसमें से जो भी पेशेंट खाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे लालू जी के लिए दुआ का काम करेंगे और जल्द से जल्द स्वस्थ होने का रिकवरी होगा, परमात्मा से अथी होगा। और साथ ही साथ हम पूर्व मंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र बाबू से भी आग्रह करते हैं कि इसमें किसी भी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। यह अभी आलमनगर विधानसभा जनता के हित की बात है, इसलिए आपसे भी आग्रह है कि इसको आप जल्द से जल्द आप भी हमें सहयोग करें। ना हम आपका विरोध कर रहे हैं, ना सरकार के, इसमें सभी को सहयोग करने की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए हम आपसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और प्रशासन से नम्र गुजारिश है कि आप यथाशीघ्र जाँच कराकर DAV स्कूल को कोविड सेंटर में परिणत करें और आलमनगर विधानसभा की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए इसे जल्द से जल्द चालू करें।